चीन की एक घटिया हरकत अब चीन पर भारी पड़ रही है। एलएसी पर तो हमारे सैनिक डटकर उनसे मुकाबला कर ही रहे हैं, वहीं पूरे देश की आम जनता भी चीनी सामान का बहिष्कार करके चीन की आर्थिक कमर तोड़ने के भरपूर प्रयास कर रही है। संत हिरदाराम नगर में मारुति नंदन हिंदू संगठन ने चाइना के खिलाफ उग्र विरोध प्रदर्शन किया। संत नगर के बस स्टैंड चौराहे से चाइना के राष्ट्रपति का पुतला लेकर रैली निकाली गई। चीनी सेना के द्वारा जो गलवान घाटी पर भारतीय सैनिकों के साथ छल कपट करने से जो घटना की गई है, उसके विरोध में चंचल चौराहे पर चीनी सामानों के बहिष्कार को लेकर विशाल प्रदर्शन किया गया। मारुति नंदन हिंदू संगठन के द्वारा प्रदर्शन में चीनी सामानों का बहिष्कार करने की शपथ भी ली गई एवं साथ ही चीनी सामानों की होली और चीन के राष्ट्रपति का पुतला जलाया गया, जिसका नेतृत्व बजरंग दल प्रांत सुरक्षा प्रमुख विशाल पुरोहित, विकास कसोले, रोहन सूर्यवंशी, दीपक मालवीय, चिंटू परोचे, कालू रायचंदानी, जीतू कटारिया, करण राजौरिया, विकास बाधवानी, अजीत सुनील रजक, सोनू मीना, ललित लछवानी ने किया। देखिए जिस तरह से चाइना के नपुंसक सैनिकों ने हमारे भारतीय सैनिकों को निहत्तों पर कायराना तरीके से हमला किया, उसकी विश्व हिंदू परिषद और भारत देश का हर व्यक्ति घोर निंदा करता है और भारत सरकार से मांग करता है कि जिस तरह से कायरतापूर्ण चाइना ने हमारे निहत्ते सैनिकों पर हमला किया, उनको उन्हीं की भाषा में जल्द से जल्द जवाब दे और इस बात को लेकर, इस घटना को लेकर पूरे भारत का हर एक नागरिक आक्रोशित है और भारत सरकार से उन पर तुरंत कार्रवाई की मांग करते हुए हम चाइना उत्पादनों का घोर विरोध करते हैं और भारत सरकार से भी ये मांग करते हैं कि तुरंत तुरंत चाइना से आयात निर्यात अपना बंद करें और उनकी सभी सामग्रियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाकर उसका घोर विरोध करें। बोलो जय जय श्री राम। आज से कई समय पहले हमने टिकटॉक के लिए एक मुद्दा उठाया था कि टिकटॉक का पूर्ण तरीके से बहिष्कार किया जाए, क्योंकि टिकटॉक हमारे देश की आर्थिक स्थिति के साथ दूसरे देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रहा था, चाइना को कैसे ना कैसे करके डायरेक्शन में उसकी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रहा था। तो हमने पहले भी टिकटॉक की एक मुहिम उठाई थी, इससे हमने काफ़ी लोगों का टिकटॉक का नाश करा था, हमारे देश से काफ़ी लोगों ने टिकटॉक का नाश कर दिया था, उसे नष्ट कर दिया था। आज फिर हमारे देश पर चीन ने पीछे से जो हमारे सैनिकों पर धोखाधड़ी से जो वार किया है, आज उसके ऊपर से भी आज हमने जो एक प्रदर्शन किया है, इसी प्रकार हम कई प्रदर्शन करते रहते हैं, क्योंकि चीन हमारे देश के सिपाहियों को धोखाधड़ी से, जिसमें हमारे देश के सिपाही शहीद हो चुके हैं, इस प्रकार चीन का हम एक प्रोडक्ट का बहिष्कार करेंगे। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।